हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त कोरोना पर सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिहार से। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि कोरोना एम्स में एक शख्स की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से, और दूसरा भर्ती है जिसकी मौत हुई है, उसकी रिपोर्ट आज आई है, लेकिन मौत कल सुबह ही हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार का यह बयान है, पटना के एम्स में एक की मौत हो गई है और एक शख्स भर्ती है। और इस वक्त देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। भूपेश बघेल साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है, लोग अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, क्या कुछ छत्तीसगढ़ में और तैयारी आपकी तरफ से? छत्तीसगढ़ में 44 धारा पहले से हम लगा चुके हैं और कल से ही पूरा छत्तीसगढ़ बंद है, आज पूरी तरह से बंद है। और सभी जो आवश्यक जो सामान है, जो मेडिकल है या खाद्य सामग्री है, राशन दुकानें है, बस वही भर खुली हुई है। बचत जो इंटर स्टेट बसें हैं और जो लोकल बसें हैं, सिटी बस है, वो सब बंद है। ऑफिस को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। जो सचिव हैं वो अपने घर से ही काम कर रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट में भी जो केवल अधिकारी हैं, बचत लोग नहीं है, केवल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, नगरीय प्रशासन है और जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वही ऑफिस में है। बचत सब जगह लॉकडाउन कर दिया गया है। जी भूपेश बघेल साहब, मुझे एक बात बताइए, राजस्थान है, पंजाब है, ओडिशा है, इन्होंने आपने यहाँ लॉकडाउन की बात कर ली है, लॉकडाउन पूरी तरीके से ताकि संक्रमण को बढ़ने से बिल्कुल रोका जाए। महाराष्ट्र में कई शहरों में ऐसा हो गया है, अब बिहार से भी एक मौत की खबर आ रही है, क्या आप लोग भी ऐसा फैसला ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, यह स्थिति उस तरह की हुई? देखिए, हम आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग पहले से ही सारी तैयारी कर लिए हैं और इसमें तैयारी में कोई कमी नहीं है, लोग भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ केवल जो इंग्लैंड से एक यात्री आई थी, उसी भर को पॉजिटिव मिला है, उसके भी इलाज चल रहा है और इलाज संतोषप्रद है, लगातार उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। पूरे परिवार में इस प्रकार से कोई सारे रिपोर्ट है निगेटिव आए हैं, तो जितने बाहर से आए हैं सबको या तो घर में आइसोलेशन में है या क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है और सभी जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जी, व्यवस्था के निर्देश दिए गए। मुझे एक बात बताइए, सभी जगहों पर देखा जा रहा है आमतौर पर, चाहे कोई भी राज्य हो, कि लोग परेशान है, खरीदारी में जुटे हुए हैं और कई जगहों पर जरूरत के सामान की किल्लत तक हो जा रही है, उसके लिए कुछ खास व्यवस्था आपकी राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है क्या वहां पर? हमारे तरफ से यही है कि देखिए, हमारे यहाँ तो सभी परिवारों को 65 लाख राशन कार्डधारी हैं, सबको चावल दे दिया गया है और जरूरतमंद के लिए भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लोगों को जो भोजन वगैरह की जो व्यवस्था है उसमें कहीं कोई कमी आने नहीं दिया जा रहा है। इलाज के लिए भी कोई कमी नहीं है, सैनिटाइजर वगैरह के भी हम लोग उत्पादन यहाँ बढ़ा दिए हैं और मास्क वगैरह भी बहुत सारे जो संगठन है वो मुफ्त में बांट रहे हैं और उसको भी यदि रेट वगैरह के भी हम लोग कंट्रोल करके रखे हुए हैं। जी, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, रेट वगैरह भी कंट्रोल करके रखे हुए। मुझे एक बात बताइए, यात्री जो है वो इस वक्त बड़ी समस्या है, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं, वो बड़ा खतरा लेकर अपने साथ आ सकते हैं, तो ऐसे में क्या रेल सेवा को, बस सेवा पर भी कुछ आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ बातचीत हुई है अभी तक? क्योंकि स्थिति जो है दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है और खराब होती दिख रही है। देखिए, बस सेवा हमारी बंद है और इंटर स्टेट भी बंद कर दिए हैं और स्टेट के भीतर भी बंद कर दिए हैं। जो प्राइवेट गाड़ी है उसमें जितनी उसकी क्षमता है उतने ही लोग आ जा सकते हैं, उससे अधिक जाने से हम फाइन भी कर रहे हैं। तो और सभी लोगों से अपील लगातार हम लोगों ने किया है, रेडियो के माध्यम से भी, टेलीविजन के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो छत्तीसगढ़ में सारे लोग बड़े सहयोग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और बड़ी बात कह रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो जनता कर्फ्यू को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।